साथियों, महामिलावट, ये महामिलावट के साथी दलालों बिचौलियों के सबसे बड़े संरक्षक रहे। ये अब फिर से दिल्ली में एक बार सपना देख रहे हैं कि दिल्ली में हो सके उतना जल्दी एक मजबूर सरकार बन जाए। मजबूर, मजबूत सरकार से उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। आप मुझे बताइए, देश को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना बड़ा देश मजबूत सरकार बिना चल सकता है? मजबूत सरकार के बिना फैसले हो सकते हैं? मजबूत सरकार के बिना देश आगे बढ़ सकता है? मजबूत सरकार के बिना नौजवानों का भविष्य बन सकता है? उन्हें तो मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि मजबूर सरकार होगी तो उनके घर भरने में सुविधा रहेगी, उनके वंश वारिस की सेवा करने की सुविधा रहेगी, तिकड़मबाजी करने के लिए मैदान खुला मिल जाएगा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मोदी को गाली देने का आजकल कंपटीशन चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक। ये महामिलावट में यही काम चल रहा है। अवसरवादिता की हद देखिए। आप मुझे बताइए, ये महामिलावट वाले दिल्ली में हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो निकालते हैं, कलकत्ते में जाकर के हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो निकालते हैं, ये त्रिपुरा में एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार है क्या? है क्या? केरल में है क्या? बंगाल में है क्या? लेकिन देश को भ्रमित करने के लिए हाथ में हाथ मिला करके महामिलावट का अभियान चला रहे हैं। और करना क्या, जब भी मिलो मोदी को गाली दो। इनको लगता है कि जनता इनकी तरह ही अपने विवेक पर पर्दा डाले हुए हैं, उसको ये महामिलावट का खेल समझ नहीं आता। असल में ये अभी भी पुराने वाले दौर में जी रहे हैं कि इनके झूठ को कोई पकड़ नहीं पाएगा। जिस तरह विधानसभा के चुनाव में आपने इनको सच्चाई दिखाई, उसी तरह अब लोकसभा चुनाव में देश की जनता बताएगी कि लोगों से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। भाई और बहनों, इनसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई, किसान के लिए आपकी क्या योजना है, क्या एजेंडा है, जैसा ही आप पूछोगे कि किसान के लिए क्या करोगे, तो उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन वो क्या करते हैं, आप याद रखना, आप उनको किसान का पूछोगे, वो मोदी को इतनी गाली देंगे। अगर आप इनसे पूछोगे कि मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए क्या करोगे, उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब नहीं देंगे, वो मोदी को उससे जरा बड़ी गाली देंगे। इनसे पूछो कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए क्या करोगे, तो जवाब देने के बजाय वो मोदी को उससे भी बड़ी गाली देंगे। जितने सवाल, उतनी गाली बड़ी होती जाती है। हर सवाल का जवाब उनके पास एक ही है, मोदी को गाली दो, मोदी को बड़ी गाली दो, मोदी को जोर से गाली दो, मोदी को जितनी हो सके उतनी गाली दो, यही इनका काम है। भाइयों और बहनों, असल में महामिलावट के ये साथी जान चुके हैं कि देश के युवा, देश के गरीब, देश के किसान, वो अपनी आकांक्षाएं मोदी पर भरोसा करके देख रहा है, आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। मोदी जो काम करता है उससे ही विश्वास जगता है, उसी से उम्मीदें अधिक होती है। और ये सारे मोदी विरोधियों को भी भली भांति पता है।